वेलकम मेक ऑल इन वन में दोस्तों। गाइस आज के वीडियो में हम लाइव स्ट्रीमिंग कैसे जाते हैं वो बात करेंगे किसी सॉफ्टवेयर की मदद से। तो आप यूट्यूब में लॉगिन होने के बाद, माय चैनल में आने के बाद हम चलेंगे वीडियो मैनेजर में, और वहां जाने के बाद हम चलेंगे लाइव स्ट्रीमिंग पे। इस पे जाने के बाद दो ऑप्शन आते होंगे, एक स्ट्रीमिंग नाउ और इवेंट। तो स्ट्रीमिंग नाउ पर हम जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑफलाइन लिखा हुआ आ रहा है। तो इसमें हमें एक सॉफ्टवेयर की मदद चाहिए। तो यहाँ गूगल आप जब खोलोगे अपना यूट्यूब तो यहाँ आपको लिखा हुआ मिलेगा सेटअप योर लाइव स्ट्रीमिंग इनकोडर। ये जो भी आप एप्लीकेशन देख रहे हैं ये सारे पेड हैं। उसके जस्ट नीचे आप आओगे अदर इनकोडर, यहाँ लिख के दिया होगा, वो फ्री है। ओपन ब्रॉडकास्ट सॉफ्टवेयर OBS इसका नाम है, जो फ्री में ब्रॉडकास्ट सॉफ्टवेयर है। तो इसको आप इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ आने के बाद हम चलते हैं अब उस एप्लीकेशन पे जहाँ पे हमने OBS को इंस्टॉल करके रखा, इंस्टॉल करके उसे ओपन करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, आप यहाँ अपना कोई थंबनेल लगाना चाहते हैं चैनल का वो लगा सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया हुआ है, इसमें आप जिस बारे में आप लाइव जाना चाहते हैं उसके बारे में आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। और यहाँ पे आप जो नाम है, किस नाम से आप आओगे, वो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन इसमें देना है। यहाँ आप यूज़ कर सकते हो किस टाइप के आप वीडियो पे ऑनलाइन आने वाले हो, जैसे न्यूज़ हो या एजुकेशन से रिलेटेड या डॉक्यूमेंट्री, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें। और यहाँ पब्लिक कर लें। उसके बाद आप यहाँ से लाइव चैट, जो भी आपके व्यूअर्स जो भी मैसेज करेंगे वो आपको यहाँ दिख जाएगा। और ये लिंक हुआ, आप शेयर कर सकते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप या जहाँ भी आप चाहें, जहाँ से लोग आपको ऑनलाइन देख सकते हैं। और ये होता है इनकोडर सेटअप। एक की मिलता है जिसे हमें क्या करना पड़ता है कि जो ब्रॉडकास्ट सॉफ्टवेयर है उसमें पेस्ट करना होता है। तो इसको हमेशा आप हिडन ही रखें, इसको आप कॉपी कर सकते हैं। और कॉपी करने के बाद अब चलते हैं OBS में, और वहाँ चलने के बाद यहाँ हम OBS में आ गए हैं, देख सकते हैं। यहाँ से सबसे पहले हम सेटिंग में चलेंगे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ आपको स्ट्रीम का ऑप्शन आता होगा। तो जो देख रहे हैं इसमें हमें अपना जो कॉपी किया हुआ की है स्ट्रीम की, उसे पेस्ट करना है। और पेस्ट करने के बाद यहाँ आपको दो ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, आप किस चीज़ पे, यूट्यूब पे जाना है, ट्विटर पे, या लाइव फेसबुक पे, जहाँ भी आपको जाना है उस सेलेक्ट कर लेना है। तो हम लोग यूट्यूब पे चलना है तो यूट्यूब पर क्लिक कर लिए, अब अप्लाई करना है और ओके करने के बाद एक तो सबसे पहले आपको यहाँ दो विंडो चूज करना होगा, ऐड किए सेशन वन, एक सेशन टू। करने के बाद यहाँ आप फिर ऐड करेंगे तो दो चीज़, एक डिस्प्ले कैप्चर करना चाहते हैं या आप कैमरा अदर, तो जो आप इसमें से विंडोज कैप्चर है जो आप चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम डिस्प्ले डालते हैं और ओके, जैसे ही ओके करेंगे यहाँ ऑप्शन आ गया होगा। अब फिर ओके कर दिया हमने, और यहाँ आपको लिखा हुआ आ रहा होगा स्टार्ट स्ट्रीम और स्टार्ट रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड नहीं, स्ट्रीम कर देते हैं डायरेक्ट हम लोग को। अब हम अपने यूट्यूब चैनल पे देखेंगे कि ये जो ग्रीन हो गया, जो कुछ देर पहले रेड था एक ग्रीन हो चुका है, अब ये लाइव हो जाएगा, बिल्कुल लाइव हो चुका है। थोड़ा और टाइम लगेगा तो यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं कि आप बिल्कुल यहाँ लाइव आ गया है। हमारे जो डेस्कटॉप पे ये ही आ रहा है तो इसको कैप्चर करके दिखा रहा है। अगर इसको मिनिमाइज कर दे तो ये, सॉरी, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइव ग्रीन दिख रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे हम अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव जाते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा, और ये जो लिंक है
या आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जिससे वो सब आपको लाइव देख सकें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं हमें कि आपको और कुछ जानना है, तो मैं अगले वीडियो में ज़रूर बनाऊंगा। और इस चैनल को सपोर्ट करें तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।